हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकिंग फोन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड्स, स्वाइप ने एक नया मोबाइल अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वाइप इलाइट 3। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा, उसका स्पेसिफिकेशन बताकर आपको बताऊंगा कि ये फोन बजट में है या नहीं, प्राइस के हिसाब से ये ठीक है या नहीं, या फिर आप इसे ले सकते हैं या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, पूरा अगर नहीं देखेंगे तो इस मोबाइल के बारे में आप ठीक से नहीं जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्राइस की बात हो तो प्राइस यहाँ पे रखा गया है इसका 5499 का, और ये आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा। ये तीन कलर में वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, पहला शैंपेन गोल्ड, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है स्पेस ग्रे। ये तीन कलर में आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट में। आइए अब हम जानते हैं इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इस मोबाइल में। साथ साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर है इंटरनल में, वहां पे 1.3 GHz का स्प्रेड टर्म का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि SC9832 का प्रोसेसर होगा। अगर मैं बात करूं इसमें रैम और इंटरनल मेमोरी की, तो रैम जो है 2 GB का दिया गया है, इंटरनल मेमोरी है 16 GB का। तो ये आपको इंटरनल पार्ट्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कैमरे की, कैमरा आपको इस बजट में कैसा मिल रहा है मैं आपको बता दूं। 8 MP का आपको बैक कैमरा विद LED फ्लैश एंड 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर बात करें हम इसके बैटरी के बारे में, तो 2500 mAh का यहाँ पे बैटरी भी देखने को मिलेगा, जो कि दमदार है इस प्राइस रेंज में। मुझे ये बैटरी जो है बहुत मतलब अच्छा बैकअप देने वाला लग रहा है। तो फ्रेंड, ये जो ओवरऑल मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया, और भी एक्सटर्नल चीजें जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह रहेगा, और ये 4G VoLTE सपोर्टेड फोन है, तो 4G आप इसमें आराम से चला सकते हैं, जियो का सिम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नया मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैं इतना ही बोलूंगा कि आप ये मोबाइल ले सकते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस करने के लिए, अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड, यही बातें हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप ये ले सकते हैं या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। ये अगर कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये मोबाइल आपको कैसा लग रहा है आपके हिसाब से वो भी कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, तो जल्दी शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।